नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी। वो है जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं या बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती, जबकि हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर शो नहीं हो पाती। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी आप लोगों के कमेंट भी हमें मिलते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो प्रॉपर सेट नहीं हो रहा। अगर ग्रोस प्रॉफिट आपका सेट नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट सेट नहीं होगा, और नेट प्रॉफिट अगर आपका सेट नहीं होगा तो आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर सही तरीके से नहीं प्रिपेयर होती है। तो इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको किस तरीके से डिस्प्ले होगी, और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन मेथड है भी आपको कौन से मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है उसके बारे में इसी वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर राइसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसको आपको सेट करना पड़ेगा भी आपको कंपनी का जो स्टॉक है कौन से मेथड से देखना है। और उससे पहले एक बार अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाके ओके करते हैं तो आप यहाँ देखोगे भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं आ रही है। और यही चीज़ अपने बैलेंस शीट पर भी जाके देखते हैं, और बैलेंस शीट में जाएंगे करंट एसेट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे जो स्टॉक इन हैंड है वो यहाँ पर बिल्कुल जीरो आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्लोजिंग स्टॉक का जो मेथड है उसको सेट करते हैं। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, और उस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा फीचर एंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री का, ये जो ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री का, इस इन्वेंट्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही अपने इस इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, और यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फिफो है, लिफो है, लास्ट परचेज है, जो भी आपको वैल्यूएशन यहाँ से मेथड सेलेक्ट करना वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया लास्ट परचेज, और इसको सिंपल मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो यानी कि अब मेरे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो लास्ट परचेज कॉस्ट से हटाएगा। और उसके बाद एक बार अपने स्टॉक भी चेक कर लेते हैं। अब स्टॉक चेक करने के लिए आपको स्टॉक स्टेटस पर आना है, क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाना है, बैलेंस चेक कर लेना है ऑल आइटम का। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपको क्वांटिटी के अंदर भी शो कर रहा है भी आपकी इस प्रोडक्ट की ये क्वांटिटी क्लोजिंग में बची हुई है और ये इसकी वैल्यू बची है। टोटल आपके पास में 4,280 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ ये डिटेल्स यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है अपडेट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस क्लोजिंग स्टॉक को आपको यस कर देना है, इसको अपने यस करेंगे, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आएगा डिटेल्स के साथ देखने के लिए, शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल्स, यानी कि आपको ग्रुप वाइज डिटेल के साथ देखने के लिए इसको भी अपने यस कर देंगे और इसको ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, अब देखोगे यहाँ पे आप 4,280 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसने उठा ली। और जब डिटेल के साथ अपने ओपन किया तो ये परचेज के जो अकाउंट है ये हमारे अलग अलग डिस्प्ले होते हैं परसेंटेज वाइज, और सेल भी आपकी परसेंटेज वाइज जो डिस्प्ले होती है। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक डाला आपका ये ग्रोस प्रॉफिट सेट हो गया और ये नेट प्रॉफिट भी सेट हो गया। एक बार अपने बैलेंस शीट के अंदर भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको ये करना पड़ेगा भी आप स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको देनी है भी कब से लेके कब तक आपको स्टॉक चेक करना है। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक इसको आपको यस कर देना है, और जो ग्रुप लेवल है सेकंड उसको भी आपको डिटेल के साथ देखना है तो यस कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे, या ऐप को भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अपने देखेंगे तो ये भी आपके क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक इन हैंड 4,280 रुपये का यहाँ पर भी डिस्प्ले हो गया, और ये ग्रुप आपकी डिटेल के साथ दिखेगी। अगर आप इसको ग्रुप डिटेल के साथ इसको नो करोगे तो आपको बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यानी कि अभी ग्रुप के अंदर दिखाई नहीं दे रही, आपको ग्रुप की डिटेल देखने इस पर इंटरप्रेस करेंगे तब आपको पता चलेगा भी इस करंट एसेट के अंदर क्या क्या आपके लेजर आ रहे हैं, जैसे कैश इन हैंड है, स्टॉक इन हैंड है, सेंडी डेप्टर्स है, वो सारी डिटेल आपको करंट एसेट के अंडर में दिखाई देगी। अब ये तो था हमारा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही थी लास्ट परचेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में कई बार आपको मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है
वो मैनुअली डालना है। अब इसने तो क्या किया, तो 4280 रुपये का जो स्टॉक इसने उठाया था वो क्लोजिंग स्टॉक की जो हमारी क्वांटिटी जो बची हुई थी उस क्वांटिटी को लास्ट परचेज के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ। अब मान लीजिए आपको क्लोजिंग स्टॉक घटाना है बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप इसको मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अगस्त एंड के अंदर आपको ये डिटेल आती है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, मंथ वाइज भी आपको मंथ वाइज अप्रैल एंड के अंदर आपको कितना स्टॉक दिखाना है, मई के एंड का आपको कितना स्टॉक दिखाना है। जैसे अभी अगस्त की एंट्री हमने करी है तो ये अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 4280 रुपये का। अब इसको मान लीजिए आपको चेंज करना है और इसको यहाँ से करना है 5000 रुपये का। जैसे मैंने 5000 का कर दिया डेबिट रहेगा, और यहाँ पर इसको फ्रिज यानी कि लॉक करना है या नहीं करना, जैसे मैंने इसको यस कर दिया, लॉक कर दिया इसको, ठीक है, और मैंने इस पर सेव पे क्लिक कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 5000। अब यहाँ पर भी आप डिटेल के साथ अगर अपने देखेंगे इसको, यस F2 मैंने कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अब आपको 5000 रुपये दिखाई दे रहा है क्योंकि अब हमने जो मैनुअली स्टॉक की वैल्यूएशन करी थी। और उसके बाद में अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाके चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अपडेट, यस करेंगे तो यहाँ आपको 5000 रुपये का स्टॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैनुअली चेंज कर दिया था और ये बार बार हिल इसलिए ले रहा क्योंकि हमने इसको लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर आप इसको चाहते हो भी हमारा स्टॉक वापस वो एजीटी जा जाए जो हमारा इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, तो आप इसको नो कर दीजिए और इसको एक बार यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को इसको हटा दीजिए। आप जैसे मैंने इसको हटा दिया, सेव कर दिया, ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक जीरो आ गया। वापस अपने उसी मेथड पे चलते हैं, बैक चलते हैं, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपडेट क्लोजिंग स्टॉक, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पर 4280 रुपये का वो स्टॉक आ गया जो हमारा इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपकी जो भी प्रॉब्लम थी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से रिलेटेड वो सॉल्व होगी होगी। फिर भी अगर आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई नए नए वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उन टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाने की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर लेना। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।